लंदन में बोले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, 2019 में होगा बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच चुनाव, बीजेपी और आरएसएस पर देश को बांटने का लगाया आरोप। आज अहमदाबाद में अपने घर पर उपवास पर बैठेंगे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, अनशन की अनुमति नहीं मिलने के बाद लिया फैसला, सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पुंछ में किया सीज फायर का उल्लंघन, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को दी नसीहत, कहा शांति के लिए पाकिस्तान से तुरंत होनी चाहिए बात। दिल्ली के वसंत कुंज में 9 साल की बच्ची से रेप के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा, प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाले घायल। देश में बारिश और भूस्खलन से तबाही जारी, हिमाचल के मंडी में भूस्खलन से नेशनल हाईवे का एक हिस्सा गिरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नदियां और नाले उफान पर। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्त, विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का दौरा किया रद्द, व्यापार युद्ध को लेकर चीन पर भी बरसे। एशियाड में 7वें दिन भी भारतीय खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद, अब तक 6 गोल्ड जीत चुका है भारत, अंक तालिका में 8वें स्थान पर है भारत। और रक्षाबंधन से एक दिन पहले गुलजार हुए बाजार, सूरत से लेकर लखनऊ तक सजे बाजार, वाराणसी में महिलाएं पीएम मोदी को भेजेंगी राखी।